हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के थोड़े थोड़े गिफ्ट्स को। शुरुआत करते हैं उनके ऑनबोर्डिंग गिफ्ट्स के साथ। तो ये जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने शिप किया था एज एन ऑनबोर्डिंग गिफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद के अंदर पूरा का पूरा एक स्टोर है, जिसके अंदर जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्रांडेड कपड़े हैं, टी शर्ट्स, जैकेट्स, सॉक्स, बाकी सारी चीज़ें, वो खरीद सकते हैं अपने लिए। तो अगर एज एन इंटर्न आप जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होगा वैसे कपड़े लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं उनका फर्स्ट गिफ्ट की, जिसके अंदर आया था ये जूट बैग। ये जूट बैग मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी यूज़फुल गिफ्ट। इसके साथ साथ आई थी हमारे पास ये वाटर बॉटल, जो कि फ्रैंकली ब्लू कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स को सेम वाटर बॉटल ब्लैक कलर में मिली थी, तो मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद आया था, बट स्टिल। एंड इसके साथ साथ आया था हमारे पास ये कप। इस कप को मैंने काफ़ी यूज़ किया है चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव सेफ। तो अगर आप घर पे वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो काफ़ी सेफ रहेगा इस कप को यूज़ करना, वेरी फैंसी। इसके साथ साथ हमारे पास आई थी ये डायरी। इस डायरी को मैंने आधा भर दिया है अभी तो, एंड होपफुली आधा और हम इसे भर देंगे। साथ के साथ आया था इस डायरी के साथ एक पेन। तो ये कुछ गिफ्ट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने भेजे थे अपने ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉयज़ को। इंटर्न्स को भी थोड़ी बहुत सिमिलर गिफ्ट गए थे, बट एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट सेट ऑफ गिफ्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक बैग शिप किया। ये बैग अमेरिकन टूरिस्टर का है, पर इस पर माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग उन्होंने पुट इन किया। दोनों इंटर्नशिप्स और फुल टाइम के टाइम पर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसा सामान वो भेजते हैं जिस पर स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग होती है। तो इवन अगर मैं यूज़ नहीं करती तो मैं अपने भाइयों को दे देती हूँ। इससे पहले भी मेरे पास शायद दो बैग्स आए हैं जिन पर माइक्रोसॉफ्ट का टैग लगा था, एंड मेरे भाई अब उन बैग्स को स्कूल के लिए यूज़ करते हैं। तो इस बैग के साथ साथ हमारे पास आई है एक और डायरी, एंड होपफुली पहले वाली ख़त्म करने के बाद हम इसको ख़त्म करना शुरू करेंगे। डायरी के साथ हमारे पास आया है ये बॉक्स, विच इज़ अ चार्जिंग स्टेशन UFO Pro। तो इसको थोड़ा खोल के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे पास एक चार्जिंग स्टेशन है, एक वायर है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के आपको पोर्ट्स दिख जाएंगे। इसमें मैं सी टाइप लगा सकती हूँ, USB साथ के साथ आपके पावरफुल चार्जर्स के लिए, एंड लाइटनिंग केबल के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ है या नहीं। लाइटनिंग केबल के लिए नहीं है, बट इट हैज सी टाइप, सो मेरे दोनों लैपटॉप्स चार्ज हो सकते हैं। एंड जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, ये वाटर बॉटल उन्होंने शिप की है, एंड बहुत ज़्यादा मुझे इसका कलर अच्छा लगा है। इसको अगर खोल कर देखें, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ वॉट माइक्रोसॉफ्ट सेंट मी। इससे पहले मेरे पास एक और इंटर्नशिप के टाइम पर बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर की बॉटल आई थी, जो अनफॉर्चुनेटली गुम हो गई, बट दिस लुक्स बेटर देन द लास्ट वन। एंड इसे खोलें तो इसके अंदर आपको जूसेस के लिए शायद फिल्टर है, आई थिंक जूसेस के लिए फिल्टर है। साथ के साथ एक और चीज़ मैंने इस बॉटल के साथ जो करके देखी कि ये टॉपल नहीं होती। अगर आप इसे एक सरफेस पर खड़ा कर देंगे तो आप इसे हिलाएंगे तो ये गिरेगी नहीं। सो नीचे जो ये है बॉटल स्टिक हो रही है सरफेस के साथ, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इसमें कुछ गर्म अगर भर के रखा हुआ है तो फिर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। एंड ये बैग भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ सकता है, मेरे दो लैपटॉप्स इसके अंदर आ सकते हैं भारी भारी, एंड मेरे पास जो काफ़ी सारे अलग अलग वायर्स हैं चार्जर्स के। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल एक स्पेशल गिफ्ट भेजा था अपने एम्प्लॉयज़ को, विच वॉज अ सीरीज ऑफ बुक्स। तो बुक्स के साथ
सबसे पहले आया था ये लेटर साइंड बाय MD ऑफ IDC विच इज़ इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो इसमें उन्होंने बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था. एंड जो बुक्स आई थी उनके बारे में अगर बात करें तो सेल्फ हेल्प एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ केयर ग्रोथ के लिए बुक्स आई थी, जिनमें से सबसे पहली बुक थी ये. इसमें से शायद एक दो बुक्स और हैं जिनको मैंने पढ़ा था, तो वो अभी बॉक्स के अंदर नहीं थी. अब फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने जो लैपटॉप भेजा, दैट इज़ अ डेल लैपटॉप. अब मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो मैकबुक पर काम करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट एप्पल का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट फ्रेंडली माना जाता है. बट माइक्रोसॉफ्ट शिप करता है अपने एम्प्लॉयज़ को डेल के लैपटॉप. बट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज़ कि ये मेरे मैकबुक एयर से भी महंगा है. इसको अगर अनबॉक्स करें, सो दिस इज माई माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप. द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज कि इसकी रैम है 32 GB की, एंड साथ के साथ ये टच स्क्रीन है. तो फिर अगर मुझे कोई ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, ऑनलाइन कुछ अगर मुझे अपनी मेल्स पढ़नी होती हैं, चैट्स पढ़नी होती हैं, तो मुझे स्क्रोल करना काफ़ी पसंद है अपनी स्क्रीन के ऊपर. सो दिस इज़ द लैपटॉप दैट माइक्रोसॉफ्ट गेव मी, जो इतना बेंड हो जाता है. एंड इट हैज़ कीज दैट लिट अप, साथ के साथ इट इज़ टच स्क्रीन एंड लो ऑन बैटरी. तो इसे हम कर देते हैं बंद. So this was a series of gifts and goodies and surprises जो Microsoft ने इस साल भेजे. I hope कि इसके बाद हम एक अगली series लेकर आ रहे होंगे जिसमें हम नए gifts को explore करेंगे. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में. Till then keep learning and keep